हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिन्हें आप कल की मार्केट के लिए बाय कर सकते हैं तो बिफोर मूविंग अहेड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब मी बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारा पहला शेयर है सिप्ला बाइंग लेवल करेंट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस एट एटी का स्टॉप लॉस बनाइए एंड टारगेट नाइन फोर्टी फोर तक का टारगेट रहेगा इसका तो सिप्ला ने आज लॉन्च किया है आर टी पी सी आर की किट विरिगिन नाम की और इसी की वजह से इसका शेयर आज लगभग ढाई परसेंट की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है हमें और ये एक से दो वीक में नाइन फोर्टी फोर का टारगेट आराम से टच कर जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर काफ़ी अच्छा है काफ़ी बेनिफिट देगा आपको तो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप इसमें तो इसमें सिप ज़रूर करें अगला शेयर रहेगा हमारा आर इंडस्ट्रीज़ बाइंग लेवल वन सिक्स एट फाइव पर इसको बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस वन सिक्स फाइव ज़ीरो टारगेट एटीन हंड्रेड इसका टारगेट है तो आर इंडस्ट्रीज़ पे मैंने कल एक वीडियो डाली थी आप उसे चेक कर सकते हैं उसमें मैंने बताया था ये बहुत ऊपर जाएगा तो आज की मार्केट में आपने देखा होगा ये काफ़ी अच्छा गया था इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें और चाइना ने एक स्टेटमेंट दी है अपनी कि वो अपनी मैनेजमेंट uh, को कमोडिटी सप्लाई की मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है तो उसकी स्टेटमेंट से आपको स्टील इंडस्ट्री में काफी ज्यादा राइज मिल सकता है प्राइजेस में इसका टारगेट एटीन हंड्रेड वन मंथ के अंदर आराम से टच कर जाएगा नेक्स्ट है हमारा साउथ इंडियन बैंक तो बैंक लेवल इसका करेंट प्राइस पे आप इसको बाय कीजिए स्टॉप लॉस नाइन का बना के रखिए टारगेट ट्वेंटी फाइव रुपीज का तो पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको साउथ इंडियन बैंक मेंशन किया था मैंने आपको उसमें बताया था ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाने वाला है तो तब से आपको ये ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है तो कल इसके ट्वेंटी फर्स्ट मे को इसका क्वार्टर फो के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं कल सो वेट फॉर दैट चीप शेयर है काफ़ी आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक साल में ये डबल मिलेगा आपको ये श्योरिटी है काफ़ी अच्छा शेयर है तो इसको स्पेयर मनी से बाय कीजिए स्पेयर मनी जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उससे कर दीजिए जिससे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये तो लॉन्ग टर्म में इसको ज़रूर सिप करें इसमें सो so, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लीजिए एंड डू सब्सक्राइब मी बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू